Wonderful. मेरे साथ निकाले भजन 112 भजन 112 और हम वचन पढ़ेंगे वचन एक से यह की स्तुति करो क्या ही धन्य वह पुरुष जो युवा का भयमानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है वह अनुग्रहकारी दयावंत और धर्मी होता है जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा वो तो सदा तक अटल रहेगा धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा वो बुरे समाचार से नहीं डरता उसका हृदय यह पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है उसका हृदय संभला हुआ है इसलिए वह न डरेगा वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा सब लोग मेरे साथ कहे उसका दिल स्थापित है उसका दिल स्थिर है प्रभु में भरोसा करते हुए वो नहीं डरेगा बुरी खबर से वो कभी नहीं हिलेगा अब मैं बता रहा हूं कि आपके पास कैसे वो हृदय हो सकता है जो कभी नहीं हिलेगा कभी नहीं हटेगा ऐसा दिल जो प्रभु के वचन में मजबूत है ऐसा दिल जो प्रभु के वचन में स्थापित है स्थापित दिल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि कैसे स्थापित दिल रखें उससे वचन में कैसे स्थापित करें दिल ये शब्द, दिल ये शब्द नहीं बताता है कोई शारीरिक अंग जो कि खून पंप करता है लेकिन भीतरी मनुष्यत्व है आपकी आत्मा आपके भीतर का मनुष्य शरीर बाहर है लेकिन मनुष्य भीतर है वो आत्मा है आपके पास मन है और आप शरीर में रहते हैं यानी जब हम दिल के बारे में कहते हैं भीतरी मनुष्यत्व के बारे में कहते हैं वो बल पाए और स्थापित हो जाए कि उसे कोई हिला ना पाए जब वो बुरी खबर सुनता है वो नहीं डरता हिलता नहीं क्योंकि उसका दिल स्थापित है प्रभु में स्थापित है मनुष्य कैसे ऐसे दिल पा सकता है जो कभी नहीं डरता कभी नहीं हटता कभी नहीं डगमगाता ऐसा स्थापित दिल कैसे पाए जब आप उसे प्रभु के वचन में स्थापित करते हैं परमेश्वर के वचन के प्रकाशन में तब आप स्थिर होंगे ऐसे मनुष्य होंगे जैसे भजन एक बताता है भजन एक आपका सिद्ध चित्र है शायद आप खुद को अभी उस दशा में न देखें शायद आज आप खुद के बारे में ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं हिलाया जाता हूं मैं नहीं डरता हूं मैं बुरी खबर से नहीं डरता क्योंकि मैं नहीं डरता मैं नहीं डरता क्योंकि मेरा दिल स्थापित है खैर यह आपका काम है ये तो हर विश्वासी का काम है कि अपना दिल स्थापित करे प्रभु में प्रभु के वचन में और उसे ऐसे बनाए कि परमेश्वर चाहता है कि आप भजन एक जैसे दिखे वो आपकी तस्वीर है इस पर प्रतिदिन मनन करें प्रतिदिन देख कर कहीं ये मैं हूं ये मेरे बारे में कह रहा है जब ये कहता है मैं अटल रहूंगा वो मैं हूं जब ये कहता है मैं नहीं डरूंगा तो ये मेरे बारे में कहता है मैं ऐसे हो सकता हूं जब ये कहता है कि जब बुरी खबर आती है तो मैं नहीं डरूंगा तो ये मैं हूं हम कितने विश्वासियों को जानते हैं जो छोटी सी बुरी खबर सुनते हैं तो वो हिल जाते हैं पूरी तरह बिखर जाते हैं इसका अर्थ वो कभी नहीं सीखे हैं कि अपना दिल प्रभु वचन पर स्थापित करें हम बता रहे हैं कैसे अपने दिल को प्रभु वचन पर स्थापित करें इसे स्थापित कर सकते हैं प्रभु वचन पर स्थापित करने से अब कुछ सत्य हैं जो हमें अपने दिल में रखने चाहिए और उसका प्रकाशन आत्मा में समझना होगा ताकि आप उस तरह से जिए ताकि आप अपने जीवन में आने वाली हर एक परिस्थिति में न हिले और स्थिर रहें मेरे साथ में दूसरा कुरंतियों मैं आपको पहला सत्य बता रहा हूं यह आपका दिल स्थापित दिल बनाएगा चलिए यहां शुरू करते हैं और अध्याय छह में चलते हैं यहां अध्याय में देखेंगे ठीक है अतः आपसे हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे आप इसका अर्थ समझते हैं मैंने आपको बताया था कि हम एक दूसरे को शरीर के अनुसार देखते हैं हमें एक दूसरे की ओर वचन के अनुसार देखना होगा खुद की ओर वैसे नहीं देखना है जैसे कि आपके बारे में आपको बताया गया है या दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं दूसरों के बारे में आप अपनी खुली आंखों से जैसे देखते वैसे न देखें लेकिन दूसरों को और खुद को परमेश्वर के वचन की ज्योति में देखे आप क्या हैं जब आप खुद को शरीर में नहीं देखते आप खुद को नहीं देखते अपनी कमजोरी और समस्याओं और अपनी घटी और पाप के साथ अपनी कमियों और सबके साथ जब आप खुद को शरीर के अनुसार नहीं देखते हैं और हम खुद को वचन के अनुसार देखते हैं तो आप कैसे दिखते वचन सतरा कहता है सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है जब हम सच में खुद को वैसे नहीं देखते जैसे अब तक देखते आ रहे हैं तब आप खुद को नई सृष्टि के रूप में देखेंगे आप खुद को कभी इस तरह से नहीं देख पाएंगे अगर आप खुद को बस शरीर के अनुसार देखते हैं तो आप खुद के बारे में जो मूल्यांकन करते हैं उसके अनुसार नहीं आप कभी कभी उस तस्वीर को नहीं देख सकते हैं केवल जब आप प्रभु का वचन देखते हैं और प्रकाशन पाते हैं तब आप समझेंगे कि आप नई सृष्टि हैं सो so, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है नई सृष्टि पुरानी बातें बीत गई देखो सब नया हो गया है अवश्य ये आपके शरीर के बारे में नहीं कह रहा है क्योंकि शरीर वैसा ही है ऊंचाई वजन रंग लुक्स और सब कुछ वैसा ही है कुछ नहीं बदला पुरानी बातें नहीं बीती हैं यहां तक कि हर निशान और सब कुछ अभी भी है ठीक है ये मन के बारे में भी नहीं कहता है क्योंकि मन भी पूरी तरह से यानी पुराने विचार पूरी तरह से नहीं गए हैं और मन में सब कुछ नया नहीं हुआ है अब कुछ चीजें जरूर नहीं हुई हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं यानी वाक्य आपके शरीर और प्राण के बारे में नहीं है जो कि आपका मन है यह वाक्य आपके भीतरी मनुष्यत्व के बारे में है आत्मिक मनुष्यत्व वो नई सृष्टि है ऐसे आत्मिक मनुष्यत्व को समझना होगा आप उसे नहीं देख सकते वचन मदद करता है कि उस मनुष्यत्व को आप देखें आपने खुद को नहीं देखा देखिए जब तक आप बाइबल के पास आकर इसे न समझे आप खुद को नहीं समझ पाएंगे क्या आप समझ गए और आपने दूसरों को नहीं देखा है आपने उन्हें केवल बाहर से देखा भीतर से नहीं देखते हैं आप नहीं जानते कि वो सच में कौन है आप केवल बाहरी घर को देखते हैं आप मेरे बिल्डिंग के पास में आकर नहीं कह सकते ये सैम चले है वो सैम चले नहीं है सैम सैमचलोदराई वहां रहते हैं वो बिल्डिंग है जिसमें मैं रहता हूं आप भीतर में आए और उस व्यक्ति को देखें ठीक है यानी आप मेरे घर से मेरा विचार नहीं कर सकते मेरे घर को देखकर नहीं आपको भीतर आकर मुझे जानना होगा आमेन यानी क्या आप खुद को जानते हैं क्या आप दूसरों को इस तरह जानते हैं या आप खुद को शरीर के अनुसार जानते हैं इसे सुनिए अब सब प्रभु से है यानी नई सृष्टि के बारे में सारी बातें ये प्रभु से है ये कहता है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो अब जबकि उद्धार इस नई सृष्टि के बारे में है यह इस बारे में नहीं कि हम खुद जाकर खुद को नया बनाए यह ऐसा भी नहीं कि हम किसी विधि में से जाते हैं कि किसी धर्म से दूसरे में आ जाए हम इस तरह से प्रचार नहीं करते हम नई सृष्टि का प्रचार करते जबकि ये सब कुछ प्रभु से है और प्रभु कहता है प्रभु ने इसे कर दिया है कलवरी के क्रूस पर कोई भी मनुष्य आकर यीशु मसीह पर विश्वास कर सकता है वो नई सृष्टि हो जाएगा आज जो भी सुसमाचार है ये कोई धार्मिक प्रचार नहीं है जो आज, आज आप सुनते हैं सुसमाचार ये है कि परमेश्वर आपको पापी के रूप में नहीं देखता है कि उसने आपके पाप लेकर उसे क्रूस पर यीशु मसीह पर डाल दिए और वो आपके लिए शाप बन गया उसने आपके पाप और आपके शर्म और आपके पाप का दंड उठा लिया वो आपके लिए वहां क्रूस पर लटका ताकि आज आप वो हो सके जो वो हैं उसने ये पहले किया यानी जो सुसमाचार हम प्रचार करते हैं वो सुसमाचार हमें दिया गया है वो तो संदेश है कि हम कैसे मेल मिला पाए हैं और परमेश्वर हमारे और पापी के रूप में नहीं देखता है ये इसे आसान बनाता है इसलिए मुझे प्रचार करना पसंद है आप मुझे कहीं भी ले जाए बाहर की सभा में रखे मैं प्रचार करूंगा यह सुसमाचार है यह बताना सबसे आसान है मैं तो बस उन चीजों को घोषित करता हूं मुझे किसी को प्रचार करने के लिए बड़ी कोशिश नहीं करनी पड़ती मैं किसी को कन्वर्ट नहीं करता मैं केवल संसार में प्रचार किए जाने वाले सबसे महान सुसमाचार का प्रचार करता हूं कि परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा और परमेश्वर ने उसे क्रूस पर मारा हमारे पापों के लिए बलिदान के रूप में और उसने हमारे पाप और हमारे शाप उस पर डाल दिए ताकि हम अपने पाप और शाप से आजाद हो जाए ताकि हम आशीष पाए और यही तो हुआ परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप किया है मतलब यह भूतकाल में हो चुका है पूरा हुआ है हो चुका है कौन सा संदेश प्रचार करते हैं संदेश यह नहीं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए क्योंकि हर आस्था में इस तरह का संदेश होता है मसी संदेश इस तरह से अलग है क्योंकि यह कहता है कि परमेश्वर ने पहले से ही मेल मिलाप कर दिया है परमेश्वर ने परमेश्वर ने पहले से हमारा अपने साथ मेल मिलाप किया है उसने पहले कर दिया है आपको बस यही करना है कि आकर परमेश्वर के परिवार में प्रवेश करना है और परमेश्वर के परिवार में अपनी जगह आपको ले लेनी है बस यही कोई भी आ सकता है अगर आज आप यहां पर हैं आज के दिन और आप प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता प्रभु स्वीकार नहीं किए हैं और आप यहां पर आए क्योंकि कोई आपको लाया है आज मेरे पास आपके लिए खुश खबर है कि प्रभु आपसे प्यार करता आप कहेंगे रुकिए भाई आप मुझे नहीं जानते जानते तो प्यार नहीं करेंगे खैर शायद मैं प्यार ना करूं लेकिन प्रभु प्यार करता है सच कहां जाए अगर आप मुझे सारी कहानी बताए जानते हैं शायद मनुष्य आपसे प्यार ना करे क्योंकि वो आपको बाहरी रूप से देखते हैं लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं मैं अपने मन में इतना ज्यादा नया बन गया हूं कि आप मुझे अपनी सारी कहानी बता दें फिर भी मैं आपसे प्यार करूंगा और मुझसे भी ज्यादा तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है मैं इस चर्च के पास्टर के रूप में आपको स्वीकार करूंगा चाहे आप कोई भी क्यों ना हो आपका इतिहास कुछ भी क्यों ना हो मैं आपको स्वीकार करूंगा परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आप जैसे वैसे स्वीकार करता है इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं संदेश मिल मिल आपका है ये पहले ही हो चुका है ये हो गया है यानी हम राजदूत हैं मसी के राजदूत हैं संसार को बता रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ मेल मिलाप किया है यही खबर है नहीं तो यह खुश खबर नहीं हो सकती अगर कोई ये कहे कि इस जगह जाना है उपवास करना है ऑफरिंग में इतना पैसा देना है ये और और वो करते चले जाना है तो यह खुश खबर नहीं बुरी खबर होती खुश खबर यह है कि मुझे कुछ नहीं करना है मुझे बस अपना दिल खोलना है और यीशु को हां कहना है और वह भीतर आएगा और मैं मसीह की देह का अंग हो जाऊंगा परमेश्वर के परिवार का परमेश्वर के घराने का कोई भी कोई भी कोई भी जो यहां है चाहे कोई भी हो वह आज ये पा सकता है आप इस तरह के संदेश के राजदूत हैं इसे कहीं भी प्रचार कर सकते हैं इसे बताने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है क्यों उन्हें बताया कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है उसने आपके लिए कुछ किया है प्रभु के पास आ सकते हैं प्रभु आपको स्वीकार करेगा आपके और प्रभु के बीच कुछ नहीं है बस आप अपना दिल खोले प्रभु आपके दिल में आएगा वो स्वीकार करेगा वो तैयार है उसने आपके साथ मेल मिलाप किया है यही संदेश है ठीक है अब वचन इक्कीस इस सुंदर वचन को देखिए जो पाप से अज्ञात था जो जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया इसे सुनिए जो पाप से अज्ञात था जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया इसलिए मैंने इसे दूसरी बार पढ़ा उसने उससे यानी यीशु मसीह को जो पाप से अज्ञात था उसने कभी उसने कभी पाप नहीं किया था उसे पाप बना दिया यीशु कैसे पाप बना उसे पाप बनाया गया यह परमेश्वर का काम था जिसने पाप से अज्ञात यीशु को पाप बनाया संसार के लिए सारे संसार का पाप उस पर डाल दिया गया वो पाप बन गया और परमेश्वर को उसकी ओर से मुंह फेरना पड़ा पाप रहित जिसने कभी पाप नहीं किया वो पाप बनाया गया परमेश्वर ने बनाया क्या आप समझ रहे हैं ऐसा व्यक्ति जिसने कभी पाप नहीं किया है फिर भी परमेश्वर ने उसे लेकर हमारे लिए पाप बना दिया विश्वास करते हैं यह परमेश्वर का चमत्कार है कलवरी के क्रूस पर यही हुआ पाप रहित था उसे लेकर पाप बनाया गया हमारे लिए अब सब इसके साथ सहमत है लेकिन इस वचन का अगला भाग है जहां पर बहुत से लोग सहमत नहीं होते उसने ये क्यों किया उसने ऐसा क्यों किया जो पाप से अज्ञात था उससे हमारे लिए पाप बनाया वचन का अगला भाग कहता है ताकि हम सब लोग कहें ताकि हम ओ अगर हम ये न करें तो परमेश्वर का अनुग्रह बेकार है ताकि हम देखिए परमेश्वर ने यीशु को क्रूस पर रखा ताकि जिसने पाप नहीं किया जो पाप से अज्ञात था वो पाप बनाया जाए परमेश्वर के काम के द्वारा परमेश्वर के काम के द्वारा वो पाप बन गया उसने पाप नहीं किए थे ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं उसमें बहुत धीरे से हाले लू कहा जानते हैं। यही सबसे महिमा की बात है मैं इसे बाद में बताऊंगा मैं इसके बारे में बताऊंगा लेकिन यह मैंने सीखा हुआ सबसे महत्वपूर्ण सत्य है परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप बनाया जो पाप से अज्ञात था ताकि हम बनाए जाए ताकि मैं बनाया जाऊं कौन मैं जो धार्मिकता नहीं जानता था जैसे वो पाप से अज्ञात था मैं धार्मिकता से अज्ञात था जैसे पाप रहित को पाप बनाया गया अधर्मी व्यक्ति को वैसे ही धर्मी बनाया गया मसीह यीशु में यह खुशखबर है खैर कैसे कोई पापी अचानक धर्मी हो जाता है ओ मुझे मत पूछिए यह परमेश्वर का काम है यह परमेश्वर का चमत्कार है मेरे दोस्तों कि एक बार मैं पापी था लेकिन अब मैं परमेश्वर की संतान हूं मैं एक बार पापी था और अयोग्य था लेकिन अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं उसमें अब यह बहुत बड़ी बात है अगर मुझे इसे समझाना पड़ा जानते हैं खैर इसे हम बाद में देखेंगे धार्मिकता तो मेरी धार्मिकता नहीं है यह परमेश्वर की धार्मिकता है इसका अर्थ है कि मैं उसकी धार्मिकता से भरा गया मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन गया मेरे पास परमेश्वर की धार्मिकता से कोई कम धार्मिकता नहीं हैलो ये मसीह जीवन के सबसे सामर्थ्य सत्य हैं। इसी के कारण मुझे बाइबल प्रचार करना अच्छा लगता है यह पसंद है क्योंकि संसार में कोई आस्था या प्रणाली नहीं है जो इस तरह से खाए यह केवल मसीह विश्वास में है जहां ऐसा कुछ है परमेश्वर ने उसे पाप बनाया ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हो जाए अगर वो पाप रहित को पाप बना सकता है तो मैं विश्वास करता हूं कि वह अधर्मी को भी धर्मी बना सकता है, है, बन है परमेश्वर के काम के द्वारा तो अधर्मी भी धर्मी हो सकता है परमेश्वर के काम के द्वारा इसलिए मैं विश्वास करता हूं जैसे मैं आपको देखता हूं तो शरीर के अनुसार नहीं देखता बिल्कुल जैसे वचन सोलह कहता है अब से आगे हम किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार नहीं जानते हैं हम उसे अलग तरह से जानते हैं जो वचन कहता है जब मैं आपको देखता हूं तो देखता हूं कि आप मसीह में हैं इसलिए आप नई इस सृष्टि हैं पुरानी बातें बीत गई हैं सब कुछ नया हो गया है हेलो जब मैं आपकी ओर देखता तो ये नहीं कहता कि मैं बहुत से पापियों को प्रचार करने वाला हूं नहीं <laughs> मैं संतों के झुंड को प्रचार करता हूं परमेश्वर के बेटे और बेटियों को राजा और रानियों को आमेन यानी मैं आपको ऐसे देखता हूं क्योंकि मैं आपको दूसरा नहीं देखता खैर भाई रुकिए एक मिनट आप उस भाई के बारे में नहीं जानते जो चौथी लाइन में तीसरी कुर्सी पर बैठे हैं मुझे कोई परवाह नहीं क्या आपने उसे हरे शर्ट में देखा ओ मैं आपको उसके बारे में बताता हूं बताने की जरूरत नहीं परमेश्वर उसके बारे में पहले ही जानता है वो पहले उसके लिए मरा वो जानता है फिर भी उसे स्वीकार किया वो जानता है फिर भी उससे प्यार किया वो जानता है फिर भी उसे बेटा कहता है वो जानता है फिर भी उसे धार्मिकता कहता है मैं परमेश्वर की मानूंगा आपकी नहीं मानूंगा अमेन <laughs> यानी मसीह सत्य इसी तरह होता है अब चलिए अध्याय छे में चले क्योंकि मैं यही बताना चाहता हूं मैं नहीं चाहता कि ये मुझे रोक दे क्योंकि प्रचारकों की समस्या होती है जब कुछ अच्छा होता है वो उसी में रहते हैं उसी के बारे में बताते हैं क्योंकि वो सही सुनाई देता है सब कुछ बहुत अच्छा है जानते हैं जब पॉलुस ने इसे लिखा तो अध्याय छे वचन एक नहीं लिखा नहीं हम इसे कहते हैं ताकि इस इस पॉलुस ने नहीं कहा कि चलो हम अध्याय छे वचन एक लिखते हैं नहीं नहीं, नहीं। वो पत्र लिख रहा था और हमारी सुविधा के लिए बहुत ही अध्याय और वचन में बांटा गया इसलिए अध्याय के क्रम के बारे में भूल जाए ये हमारी सुविधा के लिए है ये चीजें आपको रोकने न पाए यहां तक कि जब यीशु ने सिखाया बोने वाले के दृष्टांत के बारे में ये यीशु की जो शिक्षा है जब यीशु मसीह मरकुस ग्यारह तेईस में आया उदाहरण के लिए जो कोई भी इस पहाड़ से कहे तो उसने नहीं कहा कि हम अध्याय ग्यारह में है चलो वचन तेईस में चले नहीं वो बस कह रहा था लेकिन उन्होंने इसे वचन में रखा और अब मैं आपको बता सकता हूं कि आप उसे निकाल सके चलो मरकुस अध्याय ग्यारह वचन तेईस अमेन यानी अध्याय का ये बंटवारा भूल जाए ये अलग अध्याय ये कहने के बाद जो जो पाप से अज्ञात था उसे पाप बनाने से हम परमेश्वर की धार्मिकता हो जाए फिर वो कहता है कि हम देखिए शुरू से ही ये बताता है कि उस वचन में और इस वचन में कोई फर्क नहीं है हम से शुरू कर सकते हैं लेकिन ये अजीब है कि यहां पर वो कहता है तो हम इसका अर्थ है कि अध्याय पांच में जो कहा गया उससे संबंधित है ये कहता है तो हम मतलब ये कहने के बाद अब मैं तुम्हें उस पर आधारित कुछ बताता हूं हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उससे व्यर्थ न जाने दो दूसरे शब्दों में अपोलोस कुछ प्रचार कर रहा था उसने कहा मैंने तुम्हें कुछ अद्भुत बताया है यदि कोई मसीह तो नई सृष्टि है खुद को जैसे देखते हो वैसे न देखो मैं तुम्हें जो प्रकाशन देता हूं उसकी ज्योति में देखो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है आप नई सृष्टि हैं आप पुराने पापी नहीं माफ किए गए पापी नहीं 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 आप परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह में उसमें यानी मैं तुम्हें प्रकाशन दे रहा हूं खुद को शरीर के अनुसार न देखो खुद को वचन के अनुसार देखो वो कहता है फिर वो कहता है मैं विनती करता हूं हमने व्यर्थ में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं पाया है मतलब परमेश्वर ने इतना कुछ दिया है हमने उससे व्यर्थ में नहीं जाने देना है मतलब उसे व्यर्थ न करें इसे समझे बिना नहीं रहना वो सारे प्रयोजन जो परमेश्वर के अनुग्रह ने दिए हैं उसमें चले बिना उसमें चले बिना नहीं रहना जो भी परमेश्वर ने दिया उसे लिए बिना नहीं रहना और जो भी परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है उसे समझ ले और उससे ले और परमेश्वर के अनुग्रह ने जो कुछ भी दिया है उसमें चले वो कहता है कि तुमसे विनती करता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दे मैं तुम्हें बताऊं बहुत से विश्वासियों ने परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ किया क्योंकि वो सच में परमेश्वर की पूरी आशीष में नहीं चलते हैं वो समझने की परवाह नहीं करते हैं वो इन चीजों को देखने की परवाह नहीं करते वो परवाह नहीं करते जैसे आज आप यहां पर आए हैं कि यहां पर आप आकर बैठे और प्रचार सुने बहुत से चर्च हैं अगर आप वहां पर जाए तो कहते हैं छोटा संदेश देना आज हमें बहुत काम भी करने हैं तो प्रचारक दस मिनट का प्रचार करते हैं छोटी कहानी थोड़े वचन सब जल्दी से होता है और फिर वो घर जाते हैं अगर बीस मिनट प्रचार करें तो कहते हैं नहीं हम यहां पर नहीं रहेंगे क्योंकि ये पास्टर बहुत बोलते हैं क्योंकि वो समझने की चिंता नहीं करते देखिए प्रचारक भी सोचते हैं कि कहने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है और लोग भी विश्वास करते हैं कि कहने के लिए कुछ ज्यादा नहीं तो समय क्यों बर्बाद करें हम यहां आए क्योंकि मसीह हैं तो जल्दी से इस विधि को पूरा कर ले जल्दी से कुछ कह दो प्रार्थना करो और बेनेडिक्शन दो अपना सिर झुकाते हैं इस तरह कुछ लोग यहां पर घूमते रहते हैं दिन भर बाद में फिर बेनेडिक्शन का समय आया तो सिर झुकाते हैं इस तरह इस तरह केवल बेनेडिक्शन के लिए सिर अंदर आता है और सोचते हो प्रभु ने मुझे छू लिया लोग अजीब हैं प्रभु के अनुग्रह ने इतना कुछ दिया है पॉलुस कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि यह प्रचार तो वो प्रकट करना है जो उसके अनुग्रह ने हमें दिया है और वो कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम परमेश्वर का अनुग्रह व्यर्थ न करना यह सब कुछ किया गया और दिया गया है इसे व्यर्थ न जाने देना तुम इसे अच्छे से जान लो इसे पूरी तरह समझ लो और चलो विजय में चलो आशीष में चलो उसमें जो परमेश्वर ने तुम्हें दी है all your strength. I know He's rescued my soul His blood has my sin I believe I believe My shame is standing Is he dying for you? My pain is healing I believe I believe I'll raise the banner oh my lord is caught On this mountain top, to see your kingdom come. My redeemer, is everybody, my redeemer, is my redeemer, my redeemer, my redeemer. Bye.